हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर सीखेंगे। देखिए, यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ न्यू डेटाबेस आएगा। अब यहाँ पर इसके फाइल के एक्सटेंशन आप देख ही सकते हैं, ये तो मैं लगभग हर बार बताता ही हूँ आपको। यहाँ पे चाहे तो डेटाबेस का नाम आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल यही रहने देने वाला हूँ और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करने वाला हूँ। तो कर दिया, अब ऐसा सीनरियो आएगा। यहाँ से व्यू पे जाइएगा और आ जाइएगा डिजाइन व्यू पर। इसे मैं नाम देता हूँ जीएसटी, ठीक है। इस टेबल को नाम दे दिया जीएसटी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि प्रोडक्ट की आईडी आएगी, कोई भी आईडी हो सकती है, और यहाँ आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट तो टेक्स्ट डेटा टाइप ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, येस और नो है, ओएलई ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। तो फिलहाल हम यहाँ रखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, इसकी प्राइस क्या आएगी वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और प्राइस के लिए हम क्या रखेंगे, करेंसी डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे करेंसी कर लिया। अब यहाँ पर यूनिट करेंगे तो ये यूनिट की बात होगी यहाँ पर। और यूनिट करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नंबर रखना है और यहाँ पर आपको बनाना है इसे डबल। तो यहाँ पे डी टाइप कीजिएगा, डी टाइप करते ही डबल आ जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ डबल कर लिया। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल तो यहाँ से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ये 2007 है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको नंबर रख लीजिएगा बस, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स रखेंगे हम, तो परसेंट में टैक्स आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के और यहाँ पर इसे क्या बनाएंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसे लुकअप विजार्ड में जाना है हमें। ये जो लुकअप विजार्ड दिखाई दे रहा है यहीं पे जाना है, तो ये लुकअप विजार्ड में आ जाएंगे, ठीक है। और लुकअप विजार्ड में भी आने के पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, तो फॉर्मेट बना लेंगे हम क्या, यहाँ से देख सकते हैं ये टैक्स है। और फिर यहाँ पर फॉर्मेट हम क्या बनाएंगे, पहले तो इसको नंबर बना लेते हैं, ये नंबर बना लिया। और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पर इसे बना लेंगे डबल। और डबल बना करके क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट रख देंगे परसेंट, ठीक है। क्या रखेंगे, परसेंट। तो ये हो गया परसेंट। तो यहाँ पर टैक्स जो आएगा वो परसेंट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अब हम, टैक्स अमाउंट, AMOUNT। एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। यहाँ से जाकर के लुकअप विजार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, तो ये ड्रॉप डाउन हम बना लेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5% का टैक्स लग रहा है, तो ये 5% हो गया, फिर 10% हो गया, और फिर यहाँ पे 12% हो गया, फिर यहाँ पर 18% हो गया, फिर यहाँ पर 21% हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 28%। तो इतना टैक्सेस हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और यहाँ से जा करके फिनिश कर दीजिएगा। तो ये काम हो गया है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम नंबर ही रखेंगे यहाँ पर, और नंबर रखने के बाद इसको बना लेंगे जरा डबल, ठीक है, तभी हमारा टैक्स कैलकुलेट हो पाएगा। तो ये नंबर रखने के बाद डबल बना लिया, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट आ ही रहा है, देख सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी तो अब ऑटोमेटिक आएगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान परचेस किया, जैसे शुगर लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए शुगर खरीदा 10 किलो, ठीक है। और 10 किलो की यहाँ पे 10 किलो खरीदेंगे और यहाँ प्राइस रहेगी, देखिए ये प्राइस गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्राइस डालेंगे 40 रुपये किलो, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 40 किलो परचेज हुआ, तो 40 किलो का कॉस्ट आना चाहिए, क्या कॉस्ट रहा, तो यहाँ पे टैक्स आ रहा है, तो टैक्स में ड्रॉप डाउन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर 18% लगे तो क्या यहाँ अमाउंट आना चाहिए, इसके लिए हमें एक क्वेरी बनानी होगी। तो पहले तो हम यहाँ पर और भी चीज़ें टाइप कर देते हैं, जैसे राइस टाइप कर दिया हमने, और यहाँ पर राइस की कीमत है 25 रुपये किलो, और यहाँ पर करते हैं 60 किलो, तो यहाँ टोटल आना चाहिए। और राइस पे जो टैक्स लगा वो मान लीजिए 5% लगा, इसमें 5% कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रोडक्ट आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते हैं डालडा, ठीक है, तो ये डालडा लिख दिया, और यहाँ पर इसकी प्राइस है 100 रुपये किलो, 100 रुपये कर दिया, और 40 किलो खरीदा गया, और यहाँ पर टैक्स क्या लगेगा, इस पर भी 5% का टैक्स हम लगाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये इसको सेव कर देते हैं, तीन ही आइटम रखते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे एक क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और ये पूरे टेबल को यहाँ लेके आएंगे, और पूरे टेबल में हमें सारी चीजें चाहिए होंगी, तो इस सबको यहाँ लेके आ जाइए। आ गए। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो कॉलन। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आए, इसके लिए थोड़ा सा इसे साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये साइज बढ़ गई है। अब यहाँ पर कॉलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, तो आपका टोटल हो जाएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट। तो यहाँ पे UNIT यूनिट हो गया, और यहाँ पे इसको बंद करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे टैक्स आ रहा है और टैक्स अमाउंट, तो फिलहाल तो टैक्स अमाउंट ही कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो यहाँ से टैक्स अमाउंट मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो
तो ये टैक्स लिख देंगे हम, टोटल लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टैक्स से। तो यहां पर लिखा TAX टैक्स, ठीक है। तो टैक्स से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां से रन पे क्लिक करना है तो हमारी ये क्वेरी रन हो जाएगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे 18% के हिसाब से 1600 का कितना आ रहा है, 288 रुपए टैक्स आ रहा है, ठीक है। 5% के हिसाब से 1500 का 75 रुपए आ रहा है और यहां पर 5% के हिसाब से 200 रुपए आ रहे हैं। अगर आप यहां पे टैक्स रेट चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने 21% कर दिया, तो ये टैक्स अमाउंट बढ़ जाएगा, 840 रुपए हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, इससे आपको सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।